बिहार सरकार द्वारा संविदागत 3021 आयु चिकित्सकों का मानदेय 44,000 से बढ़ाकर 66,000 करने पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले से आयुष चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने इसके लिए सरकार को बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया है। कहा है कि सरकार ने अपने इस निर्णय से बिहार के आयुष चिकित्सकों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है तथा आयुष चिकित्सकों द्वारा सूबे में किए गए स्वास्थ्य संबंधी कार्य को सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। पांडे ने कहा है कि आगे भी आयुष चिकित्सक पूरी कर्मठता और ईमानदारी के साथ सरकार के हर स्वास्थ्य संबंधी कार्य एवं कार्यक्रमों में भाग लेकर सफल बनाने का काम करेगी। बता दें कि डॉक्टर पांडे ने बिहार सरकार से राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति का बढ़ावा देने के लिए बंद पड़े राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों को खोलने और 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियमित बहाली में हो रहे अनावश्यक विलंब चाहे कारण को भी उसका निपटारा जल्द से जल्द कर बहाली करने की मांग की है। पांडे ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मजबूती प्रदान करने और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बंद ना हो उसके लिए स्थानकृत आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियमित बहाली करने की भी मांग की है। साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अभाव में बंद करे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में इन लोगों को भी बहाली करने की मांग की है। सरकार को डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर मनोज दुबे, डॉक्टर संत प्रसाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर एस एन पासवान, डॉक्टर दिवाकर पांडे, डॉक्टर करण गुप्ता, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर नीशु कुमार पांडे, डॉक्टर मणिभूषण कुमार ने भी बधाई दी है।